गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज हम रोमन नंबर्स पढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.4 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। आज हम रोमन नंबर्स पढ़ने वाले हैं। रोमन न्यूमरल्स देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए रोमन नंबर में 7 सिंबल होते हैं। 7 सिंबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 7 सिंबल में देखिए, पहला है आई। आई मीन्स क्या होता है, वन। आई वन को रिप्रेजेंट करता है। वी किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइव को। ये आपको लर्न होना चाहिए। यक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, टेन को। यल किसको रिप्रेजेंट करता है, फिफ्टी को। सी किसको रिप्रेजेंट करता है, हंड्रेड। डी मीन्स 500 और एम मीन्स 1000 होता है। तो ये आपके 7 सिंबल्स हैं। देखिए ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं हिंदू अरबिक नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदू अरबिक नंबर। और इसको हम क्या कहते हैं, जो लेटर्स लिखे हुए हैं, इसको हम कहते हैं रोमन नंबर। अब इसका कुछ रूल्स है। तो इसका पहला रूल्स ये है कि हम देखिए, किसी भी रोमन न्यूमरल्स को 3 times से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। किसी भी रोमन न्यूमरल्स को हम 3 times से ज़्यादा नहीं लिखते। लेकिन उसमें भी रूल है कि जैसे वी है, एल है और डी है, इसको हमको रिपीट भी नहीं करना है, 2 बार भी नहीं लिख सकते हैं। वी, एल और डी को हम 2 बार भी नहीं लिख सकते हैं। और बाकी सब सारे डिजिट्स को हम 3 बार मैक्सिमम लिख सकते, 3 times से ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिखा है आई मिस 1, वी मिस 5, एक्स मिस 10, यल मिस 50, सी मिस 100, डी मिस 500 और एम मिस 1000 होता है। अगर हमें मान लीजिए लिखना है 3 लिखना है, तो 3 हम कैसे लिखेंगे, आई आई आई, यानी कि 3 बार हम आई बनाते हैं तो वो क्या होगा, 3 होगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे 4 अगर हमें लिखना है, तो अगर हम 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं तो ये गलत है, ऐसे नहीं लिखना है। क्योंकि हमको रूल क्या कहता है कि 4 times में हम नहीं लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी वाला सिंबल यूज कर, वी मीन्स क्या होता है, 5। अगर किसी बड़े वैल्यू के पहले कोई छोटा वैल्यू आ जाए, ठीक है, तो उस वैल्यू को हम क्या करते हैं, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए वी है, वी से पहले आई आ गया, इसमें दोनों में बड़ा कौन है, वी बड़ा है और वी से छोटा क्या है, आई है। तो वी या सी के पहले अगर आई आ गया, सॉरी वी के पहले अगर आई आ गया, तो हम आई वाले का वैल्यू को सबट्रैक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब हुआ वी मिस 5 और आई मिस 1, 5 - 1 इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा, ऐसे होगा, ठीक है। अगर मान लो आपको 10 लिखना है, तो 10 को हम वी मिस 5 वी नहीं लिख सकते हैं, 10 को वी भी नहीं लिख सकते, ये रॉन्ग है। हम 10 के लिए क्या सिंबल यूज करेंगे, यक्स का, क्योंकि वी को और यल को और डी को हम 2 बार भी नहीं लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और किसी भी रोमन नंबर्स को हम 3 बार लिख सकते हैं, मैक्सिमम 3 बार। अगर किसी कोई बड़ा वैल्यू के पहले कोई छोटा सिंबल आ जाए, कोई बड़े सिंबल के पहले कोई छोटा सिंबल आ जाए, तो उस वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं। जैसे मान लीजिए वी में से आई आ गया, तो क्या होगा, 5 - 1 = 4 होगा। लेकिन अगर वी के बाद आई आ जाए, कोई छोटा सिंबल बड़े सिंबल के बाद आ जाए, तो उस वैल्यू को हम ऐड कर लेते हैं, 5 + 1 = 6। जैसे अगर हम देखेंगे यल और आई लिख दिया है, तो यल आई आ गया, तो 50, यल मिस 50 और आई मिस 1 = 51, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब जैसे मान लीजिए आई एक्स है, आई एक्स मिस क्या होगा, आई एक्स का क्या होगा, 10 - 1 = 9। लेकिन यक्स आई आ गया तो क्या होगा, 10 + 1 = 11। आई जो है जुड़ सकता है इसमें यल में, लेकिन आई यहाँ पे आई यल कभी नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यल से आई नहीं सब्ट्रैक्ट होता है, यल से हमेशा यक्स ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, और कोई नंबर नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो यक्सेल अगर हमको लिख रहा है, यक्सेल मतलब क्या हो गया, 50 - 10 = 40, ऐसे लिखना है आपको, क्लियर। तो रोमन नंबर में आपको ये 7 सिंबल पता होना चाहिए, ठीक है। आप घर पे आप 100 तक इस पहले 100 तक रोमन नंबर आप लिखने का कोशिश करेंगे, कॉपी में 100 तक आप लिख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे। सो लुक हियर, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है ट्रू एंड फॉल्स का। तो यहां पे देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है द नंबर 42 इज रिटेन एज यक्स 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 डबल आई। तो क्या इसको हम रूम 42 को हम इस तरह लिखेंगे, देखिए यक्स अभी आपको बताया किसी भी नंबर्स को आप 4 बार से ज़्यादा 3 बार से ज़्यादा नहीं लिख सकते, तो इसमें यक्स को 4 बार लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट फाल्स होगा, ठीक है।
द वैल्यू ऑफ सी इज 100 इन रोमन, सी का वैल्यू क्या होता है 100 होता है रोमन नंबर में, तो ये क्या है ट्रू है। ठीक है, अब 85 लिखा है, 85 को हम कैसे लिख सकते हैं, सी यक्स, सी मीन्स 100 हो गया, अब सी के बाद यक्स आएगा तो यानी कि 110 हो जाएगा, तो 85 को इस तरह नहीं लिखा जा सकता है, तो ये क्या होगा फाल्स होगा। ऐसे ही आप सारा क्वेश्चन इसमें फर्स्ट का पूरा कर लेंगे। तो अब 109 लिखना है क्वेश्चन सेकंड, सेकंड का हम देखिए कैसे करेंगे। जैसे आपको लिखना है सेकंड का ए 109, अब सेकंड का ए है 109, इसको आपको लिखना है। सबसे पहले हम एक्सपेंडेड फॉर्म में इसको लिख लेते हैं, 100 प्लस 9 ये होगा, तो इसको हम जब लिख रहे हैं रोमन नंबर 100 का सी होता है और 9 का क्या होता है आई एक्स, ठीक है सी आई एक्स होगा इसका 109 का। ऐसे ही 75 का लिखना है, तो 75 का क्या होगा 70 प्लस 5, 70 को हम क्या लिख सकते हैं 50 प्लस 20 होता है 70 का, 50 एल बीस 50 एक्स मिस 10 एक्स मिस 10 50 60 70 हो गया और 5 भी हो जाएगा। 38 का लिखना है आपको, तो क्या होगा 30 प्लस 8 इजकल टू 30 का क्या लिखेंगे ट्रिपल एक्स, 8 का लिखेंगे वी ट्रिपल आई, ठीक है। और यहाँ पे 92 है, 92 का कैसे लिखेंगे 90 प्लस 2, 90 100 में से 10 सब्ट्रैक्ट करने पे ही 90 होगा, तो 100 का सिंबल क्या होता है सी होता है और 10 का क्या होता है एक्स, एक्स सी मीन्स 90 हो गया और 2 का डबल आई, ऐसे आपको लिखना है। क्लियर, सेकंड का ए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। बी इसका देखते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एल आई वी, एल आई वी मतलब क्या होगा, एल मीन्स क्या होता है 50 और यहाँ पे 50 हो गया एल मीन्स, और आई वी मीन्स क्या होता है 4, 50 और 4 कितना होगा 54, इसका 54 होगा। सी एक्स का क्या होगा, सी एक्स मीन्स सी मीन्स 100 और एक्स आगे 10 है 110 होगा, ये 50 और यहाँ पे 10 है तो प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना होगा 60 70 80 होगा, और यहाँ पे 50 प्लस एक्स मीन्स 10 और वी मीन्स 5 65 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे मैथ्स फन यहाँ पर दिया है, ये आपको अपने मन से करना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइंड द वैल्यू एंड फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स, योर फादर अपने फादर का एज कितना है इसको रोमन नंबर में लिखना है, मदर एज मदर का एज कितना है तो इसको भी रोमन नंबर, सपोज करो अगर 50 ईयर्स है योर फादर एज 50 साल के हैं तो 50 साल का क्या होता है 50 का क्या होता है एल होता है ना, एल लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये आपको सर्च करके लिखना है, डेट ऑफ ऑन विच इंडिया गेंड इंडिपेंडेंट, भारत हमारा देश जो है भारत कब आज़ाद हुआ था इसको हमको यहाँ लिखना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ योर बेस्ट फ्रेंड, तो बेस्ट फ्रेंड का डेट ऑफ बर्थ क्या है इसको आपको रोमन नंबर में लिखना है। क्लियर, सो आज के वीडियो में बस इतना ही, आप एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व करके आएंगे।